Everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा भाई छत्तीसगढ़ में जो कि महतारी बंधन योजना शुरू हुआ था उसमें अभी एक लेटेस्ट खबर आ रही है कि 70 लाख हितग्राही की होगी छटनी, जो कि छटनी होने वाली है और साथ ही फर्जी नाम भी यहाँ पे जो फर्जी ले रहे थे पैसे ले रहे थे 1000 रुपये महीना उसका भी रद्द हो जाएगा, ठीक है, और उनसे वसूली भी की जाएगी तो ये खबर आ रही है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी जानेंगे कि कौन सी गड़बड़ी थी जिसके कारण जो अपात्र थे उनको भी पैसा मिल रहा है और ये कैसे होगा, 70 लाख हितग्राही की छटनी कैसे होगी और क्या जो छूटे हैं उनका भी यहाँ पे नामकरण किया जाएगा या फिर आवेदन फिर से होगा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गड़बड़ी भाई, ठीक है, तो गड़बड़ी यहाँ पे हम देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है गड़बड़ी, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, उस यहाँ पे देखते हैं गड़बड़ी कौन कौन सी है जिस कारण अपात्र को भी पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे पहली गड़बड़ी है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरे आवेदन, ठीक है, तो कई होते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर दिए थे, जो कि ऑफलाइन में नहीं होगा तो ऑनलाइन में होगा, ऑनलाइन में होगा तो ऑफलाइन होगा। तो चुनाव के पहले आप जानते हैं सरकार को किस तरह की मदद करनी चाहिए और इस तरह की सरकार बीजेपी सरकार बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब सभी को पात्र बना दिया गया था, ठीक है। अब जैसे ही चुनाव हुआ है तो वो लोग कह रहे हैं कि अब अपात्र को नहीं देंगे भाई, जो कि सरकारी नौकरी है या फिर और कुछ कुछ जो कि उम्र नहीं हुआ है ऐसे भी, और कई लोग नाबालिग होते हैं उनकी भी शादियां हो जाती हैं तो इस कारण से उन सभी को नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कारण है सबसे बड़ा, स्वयं के अलावा पति के आधार कार्ड नंबर से भी किया गया आवेदन, ठीक है, स्वयं से तो किया ही लेकिन पति के भी आधार कार्ड के नंबर से कर दिया गया, तो जब हुए तो उनको दो बार पैसा मिल रहा है, ठीक है, 2000 रुपये महीना मिल रहा है, तो कि चौथी किस्त अभी लेटेस्ट में डली है, ठीक है। उसके बाद शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत थी, जो फॉर्म भरा गया उसमें बहुत सी जानकारी है जो कि गलत डाल दी गई, उम्र को भी गलत बता दिया गया, अभी 18 नहीं हुआ है तब भी 18 से ऊपर बता दिया गया, 21 से ऊपर बता दिया गया, शादीशुदा बता दिया गया, तो इस कारण से यहाँ पर गलत जानकारी के कारण भी यहाँ पे गड़बड़ी हुई है भाई, ठीक है। तो योजना के 70 लाख हितग्राहियों की अभी जांच होनी है, जो कि 11 लाख यहाँ पे भरे गए थे आवेदन भाई, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम इन कर रहा हूँ, गलत तरीके से इस लाभ लेने वाली महिलाओं से होगी वसूली, दो दो आवेदन किए जाए, ठीक है, तो एक ही महिला ने दो आवेदन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी चौथी किस्त जो कि डल चुकी है भाई, ठीक है, और यहाँ पे 11 लाख आवेदन निरस्त किए गए हैं, 11 लाख आवेदन जो कि निरस्त हुए थे। उसके बाद 20,000 से अधिक आवेदनों की जांच कर रहा है विभाग, तो 20,000 से अधिक जो आवेदन है उनकी अभी जांच चल रही है, और 10 मार्च को पीएम ने योजना का जो कि शुरुआत किया था, जो 10 मार्च का हुआ था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन सी छटनी होगी, क्या उनसे जो कि पैसा वसूला जाएगा या नहीं, तो इन सब के बारे में अभी डिस्कस होना बाकी है, ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।